हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है हाउ बर्ड्स फ्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हवा से भारी फ्लाइंग मशीनों के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक ऐसी संरचना है जो हल्के वजन के साथ ताकत को जोड़ती हो। ये प्रिंसिपल पक्षियों के साथ साथ विमानों के लिए भी लागू होता है। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट बर्ड कौन सी है, और साथ ही अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। पक्षियों में पंखों के अलावा भी कई फिजिकल विशेषताएं होती हैं जो उन्हें उड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक साथ काम करती हैं। उन्हें उड़ान के लिए हल्के, सुव्यवस्थित और कठोर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है। उड़ान के चार बल, वजन या वेट, लिफ्ट, ड्रैग और थ्रस्ट पक्षियों की उड़ान को प्रभावित करते हैं। अब आइए बर्ड्स की फिजिकल विशेषताओं पर एक नज़र डालें। बर्ड्स में हल्के चिकने पंख होते हैं जो वजन और ड्रैग की ताकतों को कम करते हैं। अब ये ड्रैग क्या है? ड्रैग एक बल है जो किसी भी वस्तु की गति के विपरीत कार्य करता है। ये दो लिक्विड परतों या दो लिक्विड लेयर्स या एक सॉलिड लेयर के बीच मौजूद हो सकता है। तो पंख के अलावा और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं बर्ड्स में? बर्ड्स के पास भारी दांतों के बजाय एक चोंच होती है जो वजन के या वेट के बल को कम करता है। बर्ड्स में स्टर्नम नाम की हड्डी भी होती है जो उड़ान के लिए ज़रूरी मांसपेशियों से जुड़ी होती है। इससे थ्रस्ट लगाने में चिड़िया को हेल्प मिलती है। एक बर्ड की हड्डियाँ मूल रूप से खोखली होती हैं और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसमें पतले छोटे क्रॉस शेप के हड्डी के टुकड़े होते हैं। इससे वजन का बल कम होता है। बर्ड्स के पास एक कठोर कंकाल होता है जिससे शक्तिशाली उड़ान की मांसपेशियों के लिए एक अटैचमेंट मिल जाता है। बर्ड्स का स्ट्रीमलाइंड शरीर होता है जो कि ड्रैग को कम करता है। वैसे ही जैसे कि स्विमर्स एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं ताकि उन पर ड्रैग कम हो और वे तेजी से तैर पाए। और अंतिम में बर्ड्स के पंख जो कि उनको लिफ्ट का बल देते हैं। अब लिफ्ट के उत्पादन के लिए पक्षी के पंख का आकार महत्वपूर्ण होता है। घुमावदार बड़े पंख बढ़ी हुई हवा की गति को लंबे रास्ते से पास करवाते हैं। इसका मतलब है कि पंख के ऊपर की सतह पर हवा और अधिक तेजी से घूम रही है जिससे पंख के ऊपर का हवा का दबाव कम हो जाता है और लिफ्ट का निर्माण होता है। इसके अलावा विंग का झुकने का एंगल नीचे की ओर हवा को डिफ्लेक्ट करता है जिससे विपरीत दिशा में रिएक्शन फोर्स पैदा होता है और लिफ्ट का निर्माण होता है। क्योंकि बड़े पंख छोटे पंखों की तुलना में अधिक लिफ्ट का उत्पादन करते हैं, इसलिए छोटे पंखों वाली चिड़िया को बड़े पंखों वाले बर्ड्स के समान लिफ्ट बनाए रखने के लिए तेजी से उड़ान भरने की आवश्यकता होती है। आइए अब बर्ड्स की ग्लाइडिंग की बात करते हैं। जब एक पक्षी ग्लाइडिंग करता है तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ता है। बर्ड्स के द्वारा पंखों को शरीर के किनारे पर रखा जाता है और फ्लैप नहीं किया जाता है। क्योंकि पंख हवा के माध्यम से चलते हैं, उन्हें एक मामूली एंगल पर रखा जाता है जो हवा को नीचे की ओर डिफ्लेक्ट करता है और विपरीत दिशा में एक रिएक्शन का कारण बनता है जो लिफ्ट है। लेकिन पक्षी के शरीर पर ड्रैग भी होता है, इसलिए बीच बीच में पक्षी को आगे की ओर झुककर थोड़ा सा गोता लगाना पड़ता है ताकि वह आगे जाने के लिए गति बनाए रख सके। अब ये बर्ड्स की फ्लैपिंग करना क्या है? पक्षियों के पंख ऊपर नीचे स्पीड के साथ फ्लैप करते हैं या कहें मूव करते हैं, यही उन्हें आगे बढ़ाता है। एक पक्षी का पंख नीचे की तरफ जाने के दौरान लिफ्ट और थ्रस्ट पैदा करता है जिससे हवा नीचे की ओर और पीछे की ओर भी डिफ्लेक्ट होती है। अब विभिन्न बर्ड्स की उड़ान क्षमताएं क्या हैं? पक्षियों के पास अपनी उड़ान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विशेषताएं हैं। कुछ पक्षी छोटे होते हैं और अपने पंखों और पूंछ के एंगल्स को आसानी से जब मनचाहा बदल सकते हैं, जैसे कि फैन टेल चिड़िया में। हॉक बहुत ही फेमस शिकारी चिड़िया अपने बड़े पंखों के साथ तेज गति से आगे बढ़ने और शिकार करने में सक्षम होती है। मछली के लिए समुद्र में हाई स्पीड पर गोता लगाने के लिए गैनेट और सीबर्ड अच्छे से अडेप्टेड चिड़िया हैं।
गॉडविट चिड़िया, जो हालांकि छोटी होती हैं पर वे लंबी दूरी की उड़ान भरने के लिए पूरी तरह केपेबल होती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बर्ड्स आसमान में उड़ान भरती हैं, और ये सब फीचर्स नहीं होने के कारण हम इंसान फिजिकली बिना सपोर्ट नहीं उड़ सकते, चाहे हम कितना भी सोच लें। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाउ बर्ड्स फ्लाई से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली बार।